डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और आज हमारा काइनेमेटिक्स में टॉपिक होगा टू डायमेंशनल मोशन। इसमें मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हमें थ्री टाइप का डिस्कस करना है। फर्स्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आइए देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसके क्वेश्चन लगभग हर साल IIT और NEET के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इफ एनी बॉडी प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एनी एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन इट विल मूव इन ए कर्व पाथ एंड फॉल ऑन ग्राउंड एट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इतना। अब आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी u के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक x डायरेक्शन में होगा ux और दूसरा y डायरेक्शन में होगा uy। ठीक है, u के दो कंपोनेंट करेंगे ux और uy। ठीक है, ux इक्वल टू क्या होगा, u cos theta, और uy इक्वल टू क्या होगा, u sin theta। ठीक है, अब आप ये देखिए u cos theta का काम होगा इस पार्टिकल को लगातार आगे ले जाना। ठीक है, और u sin theta का काम होगा इस बॉडी को ऊपर ले जाना। ठीक है, अब इसको आगे ले जाने वाला कंपोनेंट लगातार आगे ले जाएगा और इस पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ax इक्वल टू जीरो, x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हमेशा होगा जीरो, और y डायरेक्शन में यानी अपर डायरेक्शन में जैसे ही अपनी जगह से ऊपर जाएगा इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ए वाई इक्वल टू जी और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखिए हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, तो अगर हम इस पॉइंट से डायरेक्शन लें तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम यहां पर कंसिडर करते हैं प्लस, नीचे वाली डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे माइनस। ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस और नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस। ठीक है, इस तरह से हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। अब इसी साइन कन्वेंशन का हम हमेशा यूज करते रहेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ये कहलाएगा t इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, थोड़ी देर बाद इसको यहां से किसी पॉइंट p तक पहुंचने में टाइम लगता है t। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। अब x और y क्या होगा, इसका जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ये कहलाएगा x, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कहलाएगा y। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब आप ये देखिए ये टाइम जीरो, यहां से यहां तक जाने का टाइम t। ठीक है, और ये किस पॉइंट तक पहुंच गया, टी टाइम में पॉइंट पी तक। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अब टू डायमेंशनल मोशन में हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो या कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करना हो इसमें हम सिर्फ थ्री इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बस ध्यान हमें ये रखना है कि इन तीनों इक्वेशन को तो अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये फाइंड करते हैं कि इसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, आपको ये मालूम है कि इसका पाथ पैराबोलिक होगा और पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का ये पैराबोला होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इसका पाथ एक्चुअल में पैराबोलिक होता है और उसकी इक्वेशन क्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसमें देखिए इस पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये पॉइंट पी तक पहुंच जाता है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो एस डायरेक्शन में सभी जगह आप यहां पर एक्स लिख सकते हैं, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स, ठीक है। यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। ए एक्स की वैल्यू जीरो है तो आगे का पूरा कम ये वाली पूरी क्वांटिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। इससे टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टी इक्वल टू एक्स ओवर यू कॉस थीटा, ठीक है। यहां से ये टी की वैल्यू आ चुकी है। अब आप देखिए इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं बाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो बाई इक्वल टू, या आप इसको लिख सकते हैं एस बाई, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की जगह हम पुट करेंगे वाई, क्योंकि पॉइंट पी का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वाई, या फिर ये इस अपनी इनिशियल पॉइंट से एक्स आगे बढ़ चुका है और वाई ऊपर उठ चुका है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई, यू वाई होगा यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए बाई। अब आप ये देखिए हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को कंसिडर किया था प्लस, तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी, माइनस, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। टी की वैल्यू इक्वेशन वन से पुट करते हैं तो बाई इक्वल टू क्या आएगा, बाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स ओवर u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। u से u कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी, हाफ जी ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। और आपको जो इक्वेशन दिखाई दे रही है ये, इसको हम पैराबोला की इक्वेशन से कंपेरिजन कर सकते हैं, बाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए इक्वल टू टेन थीटा एंड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको कंपेरिजन करने से ये किस टाइप की इक्वेशन आती है, पैराबोला की इक्वेशन। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। आपको अगर आप ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रख सकें तो अच्छा होगा, वरना आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप यहाँ तक लगभग 10 से 15 सेकंड में पहुंच जाएं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, नाम से एकदम क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक आया, ये पूरी कहलाएगी इसकी फ्लाइट, और जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया और जिस पॉइंट पर ये गिरता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल टाइम होगा ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी, ठीक है। इसको अपनी पूरी जर्नी करने में जो भी टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ऑन हाइएस्ट पॉइंट एंड कम बैक ऑन सेम लेवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब आप इसमें देखिए, यहां से आपने फेंका, ये कहलाएगा टाइम टी इक्वल टू जीरो, और ये किसी टाइम टी तक ही हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, तो इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम टी लगेगा, तो यहां से वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा टी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू क्या होगा, टू इंटू स्मॉल टी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए, अगर हमने इसको यहाँ से फेंका और यहाँ पर आके गिरी, तो x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, ठीक है। तो यदि हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल में आपको इसमें 90% क्वेश्चन और डेरिवेशन में सेकंड इक्वेशन ही अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसको हम लगाते हैं बाई डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी
प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, टाइम में मत कर देना, यू एक्स और यू वाई, टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। अब आप ये देखिए बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिस लेवल से आपने फेंका उसी लेवल पर आप वापस आके गिरी है, तो बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा जीरो, ठीक है। यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा, यहां से लेके यहां तक की हम बात करते हैं तो टाइम क्या आएगा, कैपिटल टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी, ऊपर वाली डायरेक्शन लेते हैं प्लस तो नीचे वाली डायरेक्शन होगी माइनस, ठीक है, माइनस जी कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह ले जाते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है, और कैपिटल टी इक्वल टू क्या आएगा, टू यू साइन थीटा ओवर जी, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यू वाई, ठीक है, टू यू वाई ओवर जी, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया और हाईएस्ट पॉइंट पर ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन और ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो इसके लिए यदि हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, बाई डायरेक्शन, ठीक है, किस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है, वी वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी स्मॉल टी, ठीक है, इससे जी टी इक्वल टू क्या आएगा, जी टी इक्वल टू आएगा यू साइन थीटा, टी इक्वल टू क्या आएगा, यू साइन थीटा ओवर जी, ठीक है, ये स्मॉल टी की वैल्यू है, और कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी इक्वल टू टू इंटू स्मॉल टी, टू यू साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। तो यदि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन अच्छे से आ गया तो आप किसी भी फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको आर से डिनोट करते हैं, यानी जहां से आपने फेंका और जहां तक बॉडी गिरती है इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब आप ये कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इसको आप कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, सॉरी इसको आप अप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एस एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स टी, टी कौन सा, यहां से लेके यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और हमें मालूम है ए एक्स की वैल्यू होती है जीरो, तो ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो, ठीक है, एस एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आर, हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट करते हैं आर से, यू एक्स, ठीक है, यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू क्या होगी, टू यू साइन थीटा ओवर जी, ठीक है, इससे आर इक्वल टू क्या आएगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साथ में टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा ओवर जी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। इसको आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, टू यू एक्स यू वाई ओवर जी, टू यू एक्स यू वाई ओवर जी, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला हो गया, ठीक है, ध्यान रखना ये फार्मूले सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए फॉर मैक्सिमम रेंज, आप चाहते हो कि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम आर, ठीक है, साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 और 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कोई भी बॉडी मैक्सिमम दूरी जाके गिरे तो आपको इसको प्रोजेक्ट करना होगा, इसको फेंकना होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद एक बात और यहाँ पर आती है, यदि हम किसी भी बॉडी को थीटा और 90 माइनस थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो उसकी हॉरिजेंटल रेंज इक्वल होगी। ठीक है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, यदि आप किसी बॉडी को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें या 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो इसके लिए आर की वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं साइन 2 थीटा, 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाई 2, और यदि 60 डिग्री अप्लाई करें तो साइन 2 थीटा 120 डिग्री, साइन 120 की वैल्यू भी होती है रूट 3 बाई 2। तो यदि हम किसी बॉडी को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, ये हो गया 30 डिग्री, या हम इसको 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, इन दोनों केस में आर की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, हाइट अलग अलग हो सकती है लेकिन आर की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, आर की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल होगी। इसके बाद आता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉडी। ठीक है ना, अभी तक हम लोग देख रहे थे हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अब हमें देखना है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन जहां से आपने फेंका, जहां से वो हाईएस्ट पॉइंट तक ही जाता है। ठीक है ना, काम आपको वही करना है। सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, बाई डायरेक्शन में। ठीक है, इन बाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, एच। ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था तो ये वाला एच होगा पॉजिटिव। यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा। टी कौन सा आएगा, स्मॉल टी की कैपिटल टी, यहां से लेके यहां तक का टाइम हमने लिया था स्मॉल टी और वापस तक आने का टाइम लिया था कैपिटल टी। ठीक है ना, तो यहां पर हम टी की वैल्यू रखेंगे स्मॉल टी माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू हो जाएगी जी टी स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, टी इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, एच इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस हाफ जी, यहां से है टी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर, जी से जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसमें से माइनस होगा तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एच इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर ओवर टू जी। ठीक है, ये कहलाती है इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपको लर्न करने हैं और सॉल्व करने का तरीका आपको तुरंत आना चाहिए। ठीक है, अब इसके मेनली हम लोग इस चैप्टर को समझ सकते हैं न्यूमेरिकल के। लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है ना, तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यू एक्स और यू वाई की वैल्यू। ठीक है, यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा यू, यू की वैल्यू होगी 20, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी कॉस 30, कॉस 30 यानी रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 10 रूट 3, और यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू की वैल्यू है 20, साइन थीटा की वैल्यू है 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 यू वाई ओवर जी। ठीक है, और 2 यू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, यू वाई की वैल्यू हमें मालूम है,
टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू, यू वाई की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू भी 10 है, टी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, आर इक्वल टू 2 यू एक्स यू वाई ओवर जी, आर इक्वल टू कितना आएगा यू एक्स, ठीक है। यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू एक्स की वैल्यू होगी 10√3, यू वाई की वैल्यू होगी 10 ओवर जी, जी की वैल्यू होगी 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 20√3, आर इक्वल टू 20√3, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम हाइट, एच इक्वल टू क्या होता है यू वाई का स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। एच इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10×10 ओवर 2×10 इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये भी देखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए इसका पाथ कैसा होगा, कुछ इस तरह का, ठीक है ना। रेंज कितनी आ गई इसकी, इसकी रेंज आती है 20√3, ठीक है। तो यहाँ से 20√3 डिस्टेंस पर जाके गिर गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो 0.5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए यहां से हमने प्रोजेक्ट किया, 0.5 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है, ये हो गया भी। अब इसका एंगल चेंज हो जाएगा, लेट इसका एंगल हो गया अल्फा। अब आपको भी के दो कंपोनेंट करने हैं, भी एक्स और भी वाई, ठीक है। अब मेनली हमें भी एक्स और भी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। भी की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ए एक्स होता है 0, तो भी एक्स इक्वल टू क्या कहलाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है, यू एक्स या यू कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू हमें मालूम है 20, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थर्टी की वैल्यू √3/2, तो आ जाएगा 10√3, ठीक है ना। जो यू एक्स की वैल्यू है वही भी एक्स की वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं भी वाई क्या होगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं हम वाई डायरेक्शन में, ठीक है। भी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। भी वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई की वैल्यू है 10 माइनस ए वाई क्या होगा, ए वाई यानी जी, जी की वैल्यू होगी 10। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ए वाई इक्वल टू होगा जी, डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, ठीक है। अपर डायरेक्शन को हमने प्लस चूज किया है, तो डाउनवर्ड होगी माइनस इंटू 0.5, तो भी वाई क्या कहलाएगा, 5, ठीक है। तो भी को आप कैसे लिख सकते हैं, भी एक्स यानी 10√3 आई कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, भी इक्वल टू √10√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम किसी एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब यदि ऐसा क्वेश्चन होता, फाइंड हाइट ऑफ बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 5 मीटर, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो इस पॉइंट की हाइट कितनी है, ठीक है ना। तो आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 5 और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या होगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, ठीक है। बाकी सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू होती है 0, ठीक है। एस एक्स या एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 5, इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा
और ये क्या फाइंड कर चुके हैं हम लोग, टेन रूट थ्री इंटू टी, इससे आ जाएगा टाइम टी इक्वल टू क्या आएगा, फाइव ओवर टेन रूट थ्री, यानी टी इक्वल टू वन ओवर टू रूट थ्री। ठीक है, अब इतने टाइम में इसका बाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाई डायरेक्शन का, तो सेकेंड इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं बाई डायरेक्शन में। ठीक है, क्या होगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। एस वाई की वैल्यू हमें वाई फाइंड करनी है, यू वाई कितना दिया टेन, ठीक है, टाइम कितना आया वन ओवर टू रूट थ्री माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ए वाई की वैल्यू होगी टेन, ठीक है, टी स्क्वायर वन ओवर टू रूट थ्री का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी इस पॉइंट की हाइट। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। ठीक है, और एक टाइप के इसके क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ये भी आप देखिए। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू फाइव वाई प्लस 20j, ठीक है, एंड फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आप ये देखिए, आपको यहाँ पर डायरेक्टली ux और uy की वैल्यू गिवन है, ux इक्वल टू क्या होगा 5 और uy इक्वल टू क्या होगा 20। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इक्वल टू 2uy ओवर g, t इक्वल टू 2, uy की वैल्यू आप डायरेक्ट यहां से पुट कर देंगे 20, g की वैल्यू है 10 इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड, r इक्वल टू क्या होता है 2ux uy ओवर g, ठीक है, r इक्वल टू 2, ux की वैल्यू क्या होगी 5, uy की वैल्यू क्या होगी 20 ओवर g 10, ठीक है, इससे r की वैल्यू आ जाएगी r इक्वल टू 20, मैक्सिमम हाइट क्या होगा h इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर ओवर 2g इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर क्या होगा 20 इंटू 20 2 इंटू 10, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, r और h की वैल्यू।